हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश रंजन और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेबी मेंटोर पे। आज हम फोटोशॉप पे क्लिपिंग मास्क के बारे में जानेंगे। एक्चुअली फोटोशॉप में मास्किंग दो तरह के होते हैं, एक लेयर मास्क और क्लिपिंग मास्क। लेयर मास्क हम बाद में डिस्कस करेंगे, आज हमारा टॉपिक रहेगा क्लिपिंग मास्क का। क्लिपिंग मास्क में क्या होता है कि एक लेयर का ऑब्जेक्ट जो नीचे वाले लेयर का होता है उसका शेप ले लेता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डॉग का एक ऊपर का लेयर पे आप देख रहे इमेज है, अगर इस पर हम राइट क्लिक करते हैं और क्रिएट क्लिपिंग मास्क पे जब हम क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट क्लिपिंग मास्क, इस पे जब क्लिक करते हैं तो ये नीचे वाले शेप में ये ऊपर वाला इमेज इनपुट हो जाता है, आउटसाइड हमारा जो ब्लैंक है वो ब्लैंक हो जाता है और ये होता है, ठीक है। वैसे ही इस चीज का हम मतलब किसी टेक्स्ट पे भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट लिया है, ठीक है, और ऊपर हमारा सेम फोटो है, तो सेम राइट क्लिक और क्लिपिंग मास्क। तो आप देख रहे हैं कि ये टेक्स्ट के अंदर हमारा इमेज ऊपर का चला गया, तो इसके लिए हमें दो लेयर का होना बहुत जरूरी होता है। तो आइए कुछ इंटरेस्टेड बनाने का हम लोग कोशिश करते हैं क्लिपिंग मास्क के थ्रू। ओके, तो हम कुछ अनवांटेड लेयर को रिमूव कर, एक्चुअली मैं बैक चला जाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे कुछ अनवांटेड लेयर रखे हुए, मैंने इन्हीं तीनों से कम करना है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले लेयर का जो हमारा टॉप लेयर है डॉग का, इसको कंट्रोल जे प्रेस करके डुप्लीकेट लेयर तैयार कर लेंगे। रीजन क्या है वो बाद में बताएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट का हमें क्लिपिंग मास्क करना है, तो टेक्स्ट के ऊपर के लेयर को हम जाकर क्लिपिंग मास्क कर देंगे, ठीक है। तो ये हम जब करेंगे तो ये हमें दिखेगा, बट ये फोटो हमें थोड़ा सही नहीं लग रहा है, तो चलिए इसको और अच्छा बनाते हैं, ठीक है। तो हम बैक जाते हैं, इस लेयर का थोड़ा हम ऑपेसिटी कम करते हैं ताकि हमें टेक्स्ट की विजिबिलिटी हो जाए और हम देख सके कि हम क्या करने दें। तो कंट्रोल टी प्रेस करके हम इस फोटो को थोड़ा अरेंज करेंगे ताकि थोड़ा 3D लुक आए, थोड़ा इफेक्ट अच्छा बने, तो देखते में ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने इनका चेहरा डॉग का बाहर साइड कर दिया, ठीक है। अब मैंने इंटर प्रेस करके उसको हटा दिया। अब हम इसका ओपेसिटी वापस 100% कर देंगे। अब हम इसे मास्क करते हैं, क्रिएट क्लिपिंग मास्क। अब ये चला गया। अब हमारा ये टॉप का लेयर आप ऑन कीजिएगा, ठीक है। इसको हम रिट्रेसाइज लेयर कर लेते हैं। अब ये जो हमारा, हमें सिर्फ डॉग के लेयर को सिलेक्ट करना है, तो हम जब जाएंगे सिलेक्ट में और सब्जेक्ट चूज करेंगे, एक ऑटोमेटिक AI टूल है जो ये कर लेता है। अब देखिए यहीं पर हमने आपको बताया था कि मास्किंग दो तरह का होता है, एक हमारा क्लिपिंग मास्क है, दूसरा हम यूज कर रहे हैं लेयर मास्क का। अब देख रहे हैं कि ये हमारा लेयर मास्किंग आ चुका है, बट इसका जो पहले की तरह मैंने कॉपी किया था, तो मैं थोड़ा आगे करके इसके ऊपर ये ले आता हूँ ताकि हम बैक नीचे वाले लेयर के साथ ये मर्ज कर जाए। अभी हम क्या करेंगे कि हम टेक्स्ट को लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्रेस करके, जब इस बॉक्स पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस बॉक्स पे जब हम क्लिक करेंगे, आप देख रहे हैं कि डॉट डॉट करके स्क्वायर सिंबल बना है जो कि सिलेक्शन का दिखाता है। तो हम जैसे सिलेक्ट करेंगे हमारा टेक्स्ट लेयर सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि हम लेयर मास्किंग जो किया है वो जाकर सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रश ले लेंगे। हम ब्रश लेने के बाद इंश्योर कि हमारा जो फोरहेड कलर है वो ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। ब्रश का साइज हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी हम जैसे रिमूव करेंगे तो ये क्या होगा कि इसके अंदर का रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो ये हमें इन्वर्स करना होगा सिलेक्शन को, तो हम थोड़ा बैक चले जाते हैं, ठीक है। अब हम सिलेक्ट में जाएंगे तो इन्वर्स का एक शिफ्ट कंट्रोल आई इन्वर्स कर लिए। अब हमारे ये लेयर हम सिलेक्ट करके अब जो रिमूव करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये अनवांटेड जो भी आउटसाइडर है वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। अब ये बिल्कुल इस शेप में आ चुका है, ठीक है। तो अब हमारा ये बन गया। अब हम कंट्रोल डी प्रेस करके डी सिलेक्ट कर लेंगे, बहुत ही खूबसूरत सा लुक आ गया है 3D का। तो और भी अच्छा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट लेयर पे राइट क्लिक करेंगे और ब्लेंडिंग ऑप्शन, आप देख सकते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शन का ये है, तो ये हम चूज करेंगे। ब्लेंडिंग ऑप्शन हमें क्या करना है, स्ट्रोक
स्ट्रोक करने से एक आउटलाइन क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये आप मैनुअली अपने अनुसार अपनी विजिबिलिटी के अनुसार करें, कभी भी मतलब मैंने जो सेट किया जरूरी नहीं कि आप वो भी सेट करोगे तो आपको वो दिखेगा, ठीक है। तो ये जो कलर है ये मैं सोच रहा हूँ कि डॉग के ही कलर पे ले लूं। तो कलर पिक करें, आप यहाँ देख रहे हैं कलर है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे ये पिक करने का आ जाता है, तो हम पिक कर लेते हैं डॉग का जो भी ये है जो अच्छा लगे, ठीक है, ओके कर लेते हैं। अब हम ड्रॉप शैडो का यूज करेंगे, ठीक है, ड्रॉप शैडो ले लिए। अब इसके सेटिंग में भी छेड़छाड़ करके देखेंगे क्या बेटर आ सकता है, थोड़ा सा अच्छा लगे। इसको हम 120 करके इधर ले, ओ सॉरी, तो ड्रॉप शैडो में हम थे, तो हम इसका ये करके देखेंगे ताकि लुक वाइज हमें अच्छा हो, ठीक है। तो ये सेटिंग आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, कुछ भी जो आपकी विजिबिलिटी में अच्छा लुक दे वो आप यूज करें, ठीक है। चलिए मुझे ठीक लग रहा है, तो बाकी आप लोग छेड़छाड़ करते रहिएगा, देखते रहिएगा। अभी हमारे पास जो भी लेयर बन गया इसे हम राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेंगे ताकि ये हमारा एक हो जाए, ठीक है। अभी हम इसको कहीं भी ले जाएंगे, ये एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट है तो इजिली ये रिमूव हो जाएगा। आप बैक कलर में भी, बैकग्राउंड में भी कुछ कलर किया जाए तो हम लोग बैकग्राउंड सेलेक्ट करके ग्रेडियंट ले लेते हैं, ठीक है। तो ग्रेडियंट में आप बेसिक ही चूज करते हैं, कलर अनुसार अपना पिक कर लीजिए। नीचे जैसे ग्रास का तो कुछ ग्रास का ले लेते हैं, ठीक है। वैसे ही टॉप लेयर का भी कुछ सिलेक्ट कर लिया जाए, ठीक है। तो ऐसे आप इसका बैकग्राउंड भी थोड़ा सा चेंज करके ये ला सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और आप भी कुछ कुछ बनाते रहिए। क्लिपिंग मास्क बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है फोटोशॉप का, इसके द्वारा बहुत ही अच्छे अच्छे खूबसूरत डिजाइन बना सकते हैं, देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत बहुत धन्यवाद।